हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। ये आम आदमी की समस्या है कि जब उसे भक्ति करने के लिए कहा जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया हो। भक्ति किसी को भी तब तक नहीं भाती जब तक प्रभु की कृपा ना हो। भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से कोई भी भगवान की उपस्थिति अपने जीवन में महसूस कर सकता है। भगवान को अपने जीवन के सभी कार्यकलापों के केंद्र में रखना ही भक्ति का प्रथम सोपान है। सांसारिक आसक्ति का त्याग करना और भगवान की भक्ति में जुड़ना दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कि यह कैसे संभव है कि आपकी आसक्ति का स्तर कम हो और भक्ति का स्तर बढ़ता जाए। श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के अध्याय 25 में श्लोक संख्या 20 इस प्रकार कहता है, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनः कवियो विदु सैव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। अर्थात प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है, किंतु वही आसक्ति यदि स्वरूप सिद्ध भक्तों के प्रति हो जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। यहां पर यह स्पष्ट कहा गया है कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीवन में बंधन का कारण है, किंतु यदि यही आसक्ति किसी अन्य के प्रति हो तो मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। आसक्ति हर जीव के अंदर है और वो कम या ज्यादा हमेशा बनी रहती है, बचपन से लेकर शरीर छोड़ने तक। आसक्ति की हत्या नहीं की जा सकती, इसे केवल स्थानांतरित करना होता है। भौतिक वस्तुओं के लिए आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं और कृष्ण या उनके भक्तों के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना कहते हैं। फलतः चेतना आसक्ति का अभिव्यक्ति माध्यम है। यहां यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना कर लेते हैं या कृष्ण भावनामृत में चले जाते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इस कथन के बावजूद कि आसक्ति का परित्याग किया जाए, आसक्ति को छोड़ दिया जाए, जीवात्मा के लिए संभव नहीं कि वो अनासक्त या इच्छा विहीन हो सके। जीव में स्वभावतः किसी ना किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के कोई आसक्ति की वस्तु नहीं होती, यदि उसके संतान नहीं होती तो वो अपनी आसक्ति कुत्तों तथा बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। इससे पता चलता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे किसी श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को भगवान में या उनके भक्तों में लगा दिया जाए तो वही मोक्ष का मार्ग भी बन सकती है। यहां कहा गया है कि आसक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्तों या साधुओं में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति या साधु है कौन? साधु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता। गेरुआ वस्त्र पहने हो या लंबी सी दाढ़ी रखे हो, भगवत गीता में बताया गया है कि साधु वह है जो बिना हिचकिचाहट के भक्ति में लगा रहता है। भले ही वो भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन ना करता हो, किंतु यदि परम पुरुष कृष्ण में उसकी अधिक आस्था है तो वो साधु समझा जाता है। साधु रेव समंतव्यः, साधु भक्ति का कट्टर अनुयायी होता है। यहां यह संस्तुति की गई है कि यदि कोई ब्रह्म साक्षात्कार करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो साधु या भक्त से आसक्ति करे। चैतन्य महाप्रभु ने भी इसकी पुष्टि की है, लवो मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। मतलब साधु की क्षण मात्र की संगति से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यदि कोई किसी निरय भौतिकतावादी
या इंद्रिय भोग में लिप्त व्यक्ति की सेवा करता है तो ऐसे व्यक्ति की संगति से नर्क का द्वार खुल जाता है। यहां इसी सिद्धांत की पुष्टि की गई है। भक्तों के प्रति आसक्ति भगवत सेवा के प्रति आसक्ति है, क्योंकि यदि कोई साधु की संगति करता है तो वो ये शिक्षा देगा कि किस प्रकार भगवान का भक्त बना जाए, भगवान का पूजक बना जाए तथा निष्ठावान दास बना जाए। साधु का यही वरदान है। यदि हम साधु की संगति करना चाहें तो हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो ये बताएगा कि हम अपनी भौतिक स्थिति किस प्रकार सुधारें, अपितु वो हमें यह शिक्षा देगा कि भौतिक आकर्षण रूपी कलमश की गांठ कैसे काटी जाए और भक्ति में हम कैसे ऊपर उठें। साधु की संगति का यही फल है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 10 में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि भीत राग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता वह वो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव आगता। आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। ये सब लोग जानते हैं कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावाद में इतने लीन हो रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की ये चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब जाते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश ये निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ है ही नहीं। अतः प्रत्येक वस्तु अंततो गत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्ण अवस्था में होते हैं। वे रोगी हैं, उनके रोग का कोई उपचार नहीं है। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान ही नहीं देते और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति भ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये अवस्थाएं हैं आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय और जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना
और भक्ति में जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक संख्या 44 में और भी स्पष्ट रूप से उन लोगों के बारे में बताया गया है जो भक्ति में स्थिर नहीं हो पाते हैं। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थात जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। इंद्रिय तृप्ति अर्थात सेंस ग्रेटिफिकेशन सबसे बड़ी समस्या है। हमें इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का अभ्यास करना चाहिए। यह अभ्यास करने के लिए श्रवणम, कीर्तनम और साधु संघ का विशेष महत्व है। श्री भगवान की लीलाओं का श्रवण करना, उनके विग्रह के समक्ष कीर्तन करना और शुद्ध वैष्णवों की सेवा करते हुए उनकी संगत करना, यही इंद्रियों को नियंत्रण में रखने के लिए पर्याप्त है। इसलिए भक्ति का मार्ग प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि भौतिक वस्तुओं और भौतिक सुखों के प्रति अपना आकर्षण कम किया जाए और उनके प्रति मोह को त्यागा जाए। हरे कृष्ण। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel and for getting updates, press the bell icon.